नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों सबसे इमोशनल ट्रैक चल रहा है। सीरियल में अनुपमा ने अपने बेटे समर को खो दिया है, तो वहीं डिंपल का भी अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए साथ छूट गया है। टीवी पर समर की मौत का एपिसोड टेलीकास्ट हो गया है, जिसमें अनुपमा की हालत देख हर कोई मायूस हो गया है। रूपाली गांगुली ने इस एपिसोड में शानदार एक्टिंग की, तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में डिंपल यानी निशी सक्सेना सबको अपनी एक्टिंग से हैरान करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर समर की मौत के ट्रैक में रूपाली गांगुली और निशी सक्सेना ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का लगभग सारे सीन्स ही अनुपमा और डिंपल के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। अनुपमा बेटे समर को खोने के बाद बहू को संभालती हुई नजर आएगी। वह बार बार डिंपल को रोने के लिए कहेगी ताकि वह अपना दर्द बाहर निकाल सके, जिसके बाद जब डिंपल रोती है तो दर्शकों की भी आंखें नम हो जाएगी। निशी सक्सेना की एक्टिंग ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब लोग ट्विटर पर एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मुझे डिंपल जैसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने पति को दूसरी बार खोया है। वहीं एक ने लिखा, निशी ने जिस तरह से डिंपल को सदमे से लेकर दुख तक को दिखाया है वह शानदार है। वहीं एक ने लिखा, एक जिसका वो हिस्सा था छोड़ गया वो, जिसको सबने जतन से अपने वजूद में समेटा था। समर की जिंदगी की इस ट्रेजिक लॉस ने डिंपल और अनु के लिए सब कुछ बदल दिया। वहीं एक ने लिखा, अनुपमा शो में डिंपल और अनुपमा का दृश्य बहुत भावुक और दिल दहला देने वाला है। आपको बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। सीरियल के नए प्रोमो के मुताबिक वनराज अनुज पर अपने बेटे समर की मौत का आरोप लगाता है और ये चीज़ अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह अनुज से अलग हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि अनुपमा और अनुज का तलाक हो जाएगा। अब आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट। नमस्कार।